अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, आलिया पैक लगा करके बैठी थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये फेस पैक है इंस्टेंट ग्लो के लिए। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, तो और साथ में चाहिए दही, और इसके साथ चाहिए गुलाब जल। तो ये तीनों चीज़ के साथ आप बहुत ही ज़बरदस्त ये इंस्टेंट ग्लो पैक बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है दही। आप अपने फेस के हिसाब से आपको कितनी ज़रूरत है ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए मुल्तानी मिट्टी। बहुत ही इजीली मिल जाती है, और ये हमारे पास शायद लाम की है मुल्तानी मिट्टी। इसे इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करके इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, इस तरह से एक थिक पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा। और इसके बाद इसमें आप गुलाब जल ऐड कर दीजिए, और गुलाब जल इतना ऐड करिएगा कि ये पेस्ट आपके फेस पे अच्छे से लग जाए। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। तो आपको कहीं जाना है और आप पार्लर नहीं जा पाए हैं, अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, तो इस पैक को लगाइए। सिर्फ 10 मिनट इस पैक को लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल से आपका जो पैक है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसको अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो ये करने के लिए मैंने आलिया का फेस लिया और आलिया को बोला कि आलिया, तुम्हें आज अपना फेस दिखाना है, जबकि वो बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी इस चीज़ के लिए। फिर उसको मैंने अप्लाई किया उसके फेस पर, और ये देखिए ग्लो आप देख सकते हैं। हो सकता है कैमरे की वजह से आपको सही से समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन रियली जब आप इसे एक बार अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हर दूसरे दिन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद कोई भी मॉइस्चर अप्लाई कर लीजिए। अब ये नेक्स्ट है। तो ये तंजिया यहाँ पे खरबूजा कट कर रही है। आप सोचेंगे खरबूजा कट करना भी कोई दिखाने की बात है? तंजिया को एक्चुअल में अपनी मेहंदी दिखानी थी, क्योंकि उन्होंने उस दिन आपके साथ हमने दिखाया था जो पत्ती वाली हिना हम लोगों ने मंगाई थी, वो तंजिया ने इसे लगा ली है दोनों हाथों में बिल्कुल अपनी दादी की तरह। तो हमारी जो सास थी वो हमेशा इसी तरह से मेहंदी लगाया करती थी, और दादी से याद आया कि ये देखिए जो खरबूजा था ये बहुत ही बुरा था, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था। तो वो हमेशा शुगर उस पर इस तरह से स्प्रिंकल करके चुपके से रख देती थी, और जब हम लोग खाते थे, बच्चे खाते तो कहते थे बहुत मीठा है, और किसी को पता नहीं चलता था कि उन्होंने उस पर थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल करके छोड़ दी है। और इसके बाद ये देखिए हमारा जो अचार था वो रेडी हो गया है, बड़े मज़े का बना है। तो और अब यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी दे रहे हैं। ये आलू परवल की सब्ज़ी है, बिल्कुल भंडारे वाली, जैसे आपने शादियों में खाई होगी या ढाबे पे खाई होगी। तो इस तरह से लाइट कलर वाला जो परवल आता है उसे आप लीजिएगा, जैसे हमने कट किया है ऐसे कट कर लीजिएगा, और बीच बीच में उसमें कट लगा दीजिएगा। और इसमें हल्का सा नमक डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इसे पहले अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है। और कोशिश करिएगा इसे आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए। तो ये रेसिपी जब आप एक बार ट्राई करेंगे, यकीन मानिए आप बार बार बनाएंगे। है वही सिंपल सा आलू परवल, और इसके साथ ये देखिए सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों चीज़ों को लेना है, इसका छौंक लगाना है। अभी हम आपको बताते हैं। इसे अच्छे से कूट लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसे इमाम दस्ते में कूट लिया है, फ्राई करके निकाला, उसके बाद छौंक इससे लगाया, बघार जिसे बोलते हैं, उसके बाद बड़ी साइज़ की एक प्याज डाली, और इसे ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, जल्दी से कलर चेंज हो जाए, इसलिए इसमें नमक ऐड कर दीजिए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। उसके बाद अच्छे से इसे भून लीजिए। भूनते वक्त आप चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि प्याज भी ना जले और अदरक लहसुन भी ना जले, और अच्छे से ये भून जाए, और कच्ची स्मेल जो अदरक लहसुन की है वो चली जाए। ट्राई ज़रूर करिएगा। और उसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ का टमाटर हमने ऐड कर दिया है। आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर चॉप करके, फाइनली चॉप करके थोड़ा सा पानी डालिए, और उसके बाद इसे स्लो फ्लेम पे कवर कर दीजिए, ताकि टमाटर जो है वो टेंडर हो जाए और प्याज भी थोड़ी सी टेंडर हो जाए। उसके बाद मसाले को अच्छे से देखिए इस तरह से प्रेस करके भून लीजिए। तो भूनते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें डाला है कश्मीरी मिर्च अच्छे से कलर के लिए, धनिया पाउडर, सब एक एक चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली पाउडर, यानी सादा मिर्च, जो रेगुलर मिर्च आप यूज़ करते हैं उसका मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। देखिए सिंपल सा मसाला इसमें डाला है, और भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो ये बेसिक मसाले हैं, हर मसाला, कोई भी सब्ज़ी बनती है तो ये मसाला जाता ही है। तो इतनी चीज़ें डालने के बाद इसे
अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें अच्छे से फेंट करके एक बड़ा चम्मच दही डाल देना है। जो चीज़ें बता रहे हैं उसे ज़रूर आप डालिएगा, स्किप मत करिएगा। दही डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से भून देना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसमें जाएगा इसका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, ये है बेसन। एक चम्मच भर के इसमें बेसन डालिए, स्लो फ्लेम पे इसे भून लीजिए ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। बेसन से बहुत ही थिक ग्रेवी बनेगी। इसके बाद इसमें जो हमने फ्राई करके आलू और ये परवल रखा हुआ है इसको ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे मिला दीजिए ताकि मसाला इस पर अच्छे से कोट हो जाए। देखिए स्लो फ्लेम रखिएगा क्योंकि बेसन नीचे लग सकता है, तो लगातार चम्मच को चलाते रहिएगा। तो हमारे जो हलवाई होते हैं या शादियों में जो खाना बनता है वो लोग ऐसी ट्रिक से इसी तरह बनाते हैं। सिंपल सी सब्जी है, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ग्रेवी लगाने की बारी है, तो पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी पानी इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि देखिए बेसन है तो ग्रेवी अपने आप थिक हो जाएगी। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी, तो हाथ से मसल के कसूरी मेथी डाल दीजिए और उसके बाद इसे मिला लीजिए। इस स्टेज पे नमक मिर्च चेक कर लीजिए और इसे फिर से ढक करके स्लो फ्लेम पे रख देना है जब तक कि हमारा आलू और परवल जो है वो टेंडर ना हो जाए। तो 70% तो ये टेंडर हो ही गया है, आप दम पे रख के कर लीजिए। दो खड़ी हरी मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद ये देखिए हमारी सब्जी जो है अच्छे से स्लो फ्लेम पे पक रही है। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी जो है हमारी पक गई है और यहाँ पे परवल जो आलू है ये दोनों जो है टेंडर हो गए हैं। है ना ज़बरदस्त। अगर आप इसकी ग्रेवी और पतली करना चाहते हैं तो इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा, तो ग्रेवी और पतली हो जाएगी। अगर आपको इसे राइस से खाना है तो, वरना पूड़ी पराठे से खाना है तो ऐसी ही चलेगी। अब इसमें जो है एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है सौंफ का पाउडर। तो इसमें एक चम्मच भर के सौंफ का पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो हमने सौंफ ग्राइंड कर ली थी, बारीक वाली सौंफ थी, और उसे ऐड कर दिया और उसके बाद ढक दिया। और अभी आपने देखा हमने तेल को अच्छे से गर्म किया, इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और फटाफट इस गैस ऑफ करके इसे अच्छे से चला दिया और इसे ऊपर से सब्जी पर डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा, लाल लाल रोगन आ जाएगा ऊपर। तो बस इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही मज़े की सब्जी ये रेडी होगी। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, जैसा चाहिए उसे सर्व करिए। और हमने तो इसे जीरा राइस बनाया था साथ में और रोटियाँ बनाई थी, और तंजिया ने इसी तरह इसे इस तरह से मिट्टी के दोने में सर्व किया था अपने लिए। उसे कहना था कि मुझे इस तरह से खाना है, तो उसने इस तरह से किया। अब ये शाम का टाइम है, तो शाम को हमारी जिठानी ने हमको बुलाया था अपने यहाँ, बड़ी जिठानी ने, क्योंकि उन्होंने हमारी समझ लीजिए दावत की थी। तो शाम को जो हमारे जेठ थे वो ले आए थे कलेजी, तो उन्होंने कहा था कि आज कलेजी और पराठे की दावत है, तो सब लोग यहीं पर आ जाओ, तो हम लोग यहीं पर साथ में खाना खाएंगे। तो ऐसा होता है अक्सर, हम उनको बुला लेते हैं, वो हमको बुला लेते हैं, तो ये चलता रहता है। उसके बाद ये तंजिया जो थी अपने बड़े डैडी के साथ चली जाना था उसको आइसक्रीम लेने के लिए, तो वो उनके साथ आइसक्रीम के लिए निकल पड़ी। और गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, ये मगरिब के बाद का टाइम है, लेकिन आप देख रहे होंगे पसीने से बुरा हाल है सबका। और ये देखिए लाइट ऑन हो गई है चारों तरफ, ये देखिए आइसक्रीम पार्लर इन लोग पहुँच गए हैं। और ये आइसक्रीम पार्लर जो है ये न्यू कटरा कहलाता है, ये एरिया जो है ये लाजपत राय रोड है। और इसके पहले भी हमने आपको ये शेयर कर चुका है, न्यू ईयर का जब व्लॉग आपके साथ हमने शेयर किया था उस टाइम भी इस पार्लर पे ये लोग गए थे और यहीं से आइसक्रीम ले आए थे। तो हमारे यहाँ ये आइसक्रीम जो है ज़्यादातर वहीं से आया करती है, तो यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर आइसक्रीम मिल जाएंगी। सारी वैरायटीज, सारे फ्लेवर्स इनके पास मौजूद हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह हो रही है या दावत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं छोटा बड़ा, तो आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। और रेट फिर से हम बता रहे हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो हमारे जो जेठ हैं उनको तो बहुत शौक है आइसक्रीम का, और वो फ्रिज में हमेशा ला करके भर भर के रख लेते हैं। और फिर सब लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं और खाते पीते, आप देख रहे होंगे कितना सारा उन्होंने परचेस कर लिया है। तो यहाँ पर अंदर से भी हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं इनका पार्लर। तो ये इनका आइस रूम है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस आइसक्रीम का होता है, ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो, किस तरह से बनती है, कहाँ रखी जाती है।
तो उन्होंने बहुत अच्छे से तंजिया को फिर से दिखाया और तंजिया ने सब कुछ आपके लिए शूट कर लिया। तो वहाँ से ये लोग, ये देखिए आइसक्रीम इन्होंने खूब सारी परचेस की है और अब हर तरह का फ्लेवर इन्होंने लिया है। और बड़ा बॉक्स जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये लोगों ने बड़ा सा बॉक्स लिया था आइसक्रीम का। और उसके बाद ये लोग वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपको आयुषी हॉस्पिटल दिख रहा होगा, इसके आगे ही है ये, यानी बेली रोड जो कहलाता है ना। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये सब्ज़ी मंडी कटरा वाली आपको नज़र आ रही होगी। और रात में हमने कहा आपको व्यू दिखा दें फिर से एक बार अपने इलाहाबाद का, प्रयागराज का। ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो रात में भी इसकी शान देख लीजिए। ये साइड में हॉलैंड हॉल है, ये भी हॉस्टल है। कभी इंशाल्लाह जाना हुआ तो अंदर से हम आपको ज़रूर विज़िट कराएंगे, मौका मिलता ही नहीं कि जाएँ। और फिर ये आ गया स्वराज भवन हमारा, और उसके बगल में है आनंद भवन। तो ये सब चीज़ें भी अभी आपको विज़िट करानी है, इंशाल्लाह मौसम अच्छा होगा तो ज़रूर एक बार दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ से बच्चे जो हैं, और ये देखिए ये भरद्वाज आश्रम है और बालसन पे है ये। उसके बाद ये देखिए बच्चे आ गए हैं वापस। बच्चे क्या, आलिया नहीं गई थी, सिर्फ तंजिया गई थी, क्योंकि ये लोग स्कूटी से गए थे तो तीन लोग जाना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे आलिया जो है बेसब्री से अप्पी का वेट कर रही थी कि अप्पी क्या लाई होंगी, क्या ला रही हैं, कहाँ गई हैं, कैसे गई हैं। तो बस अप्पी आ गई है और उसके बाद यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो लग रहा है। और डिनर में जैसा कि था, वो हमारी जिठानी जो हमारी भाभी हैं उन्होंने कलेजी बना ली थी, वो कलेजी बनी हुई थी। और फिर उसके बाद पराठे की बारी थी, तो पराठा तो जाहिर सी बात है कि गरम गरम ही अच्छा लगेगा। तो बस आने के बाद हम लोगों ने, दोनों ने मिलके फटाफट पराठे बना लिए और फिर हमारा जो डिनर था वो रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े की कलेजी बनी थी, पराठा भी बहुत अच्छा था और आइसक्रीम की तो बात ही और थी। इसके बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या पूछना। और कलेजी का लुक आप देख लीजिए, मसाला कलेजी है। और बस अब बकरीद तो आने वाली है, ये ईद उल अधा, तो फिर इंशाल्लाह आगे आपको इसकी रेसिपी हम ज़रूर देंगे, आप भी ट्राई करिएगा। हमने अपनी रेसिपी तो दी है, भाभी से पूछ के उनकी रेसिपी देंगे, कभी वो बनाएंगी तो हम शूट कर लेंगे और आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि वो कैसे बनाती हैं। कलेजी होती वही है, लेकिन सबके बनाने का ट्रिक अलग अलग होता है, मेथड अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो करके बनाते हैं तो टेस्ट एक अलग से आ जाता है। तो ये हमारी आइसक्रीम जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ, वो आइसक्रीम क्या रेडी है, सब लोग रेडी हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो कोई मना नहीं कर सकता। तो बस आज का जो शाम थी हमारी बहुत अच्छी गुजरी। और उसके बाद घर आने की बारी आ गई और नीचे उतरे तो यहाँ पे हमें सू भी मिल गई है, उससे बातचीत की और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए। आई होप कि आज का हमारा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।